एनवायरमेंट का वीडियो नंबर है 11। तो इसमें टॉपिक्स हमारा स्टार्ट होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि परितंत्र से डिपेंड होता है। इसमें जो है क्वेश्चन होंगे पारिस्थितिकी के, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे हैं एक है 10% नियम संबंधित है। 10% नियम किससे संबंधित है? ये होता है ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचने पर ऊर्जा का क्षय हो जाता है, यानी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में 10% नियम है, कम से कम 10% जो है ऊर्जा जरूर मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन क्या है, क्या जैविक संगठन का सही क्रम है? पहला पॉइंट बनता है जनसंख्या, जनसंख्या से बनता है समुदाय, समुदाय से बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र और उससे बनता है भूदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं स्वपोषी को कहा जा सकता है स्वपोषणज, जो सब स्वयं का अपना पोषण करते हैं स्वपोषणज कहा जा सकता है। स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादन को कहा जाता है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पारिवारिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि पारिस्थितिकी किसके पारिवारिक संबंधों का अध्ययन है, वह जीव और वातावरण के बीच, जीव एवं वातावरण के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है 5, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओइकोलॉजी के नाम से, यानी कि अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कब किया था, मतलब ओकोलॉजी के नाम से किसका जो नाम दिया था इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, यानी कि अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना
प्रस्तावित की थी। संकल्पना प्रस्तावित की गई, कब की गई थी? यह था वर्ष 1935, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा, एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8। 8 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस को बायोसिनोसिस ठीक है बायोसिनोसिस की गई बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकाम्स कहा तथा माइक्रोकास्म कहा, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को किसने कहा था बायोसिनोसिस या माइक्रोकाम्स? ये वैज्ञानिक के नाम थे कार्ल मोबियस, कार्ल मोबियस तथा फोर्स, फोर्स। ठीक है, अब बोलने में क्या हो रहा है, कभी बोले कुछ तो आदमी को समझे कुछ। तो कुछ वीडियोस बनी हैं, आगे जो भी वीडियोस इसमें बनेंगे वो इसी तरह से बनाएंगे, ताकि जो है थोड़ा टाइम तो इसमें लगता है पर क्लियर हो जाती है। दोबारा कोई कमेंट इस तरह का नहीं आएगा कि दोबारा बताइए कुछ। नेक्स्ट है, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है के रूप में जानी जाती है, के रूप में जानी जाती है, यह है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था वैज्ञानिक का नाम है यूजीन ओडम ने, यूजीन ओडम ने। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र है खेत, एंड कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वह है धान का खेत। धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, परपोषी स्तर के उत्पादक उत्पादन के संदर्भ में आता है, यानी कि परपोषी किस नाम से जाने जाते हैं या किस स्तर के उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं? ये होते हैं द्वितीयक उत्पादक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पारिस्थित तंत्र की ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात
स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, घटती है। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर के स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान बताया जाता है कि अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान कहा था या किसने बताया था, तो वैज्ञानिक है वो अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान का सर्वप्रथम किसने नाम दिया, अर्नेस्ट हेकल ने, या जीवधारियों में कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, किसने कहा था, अर्नेस्ट हेकल ने, या पारिस्थितिकी विज्ञान किसने कहा था, अर्नेस्ट हेकल ने। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। 15 क्वेश्चन हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है, ये है हमारा जी घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण हैं, किस चीज़ के उदाहरण हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, झील नदियाँ तथा समुद्र, झील नदियाँ तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन है, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है, जैविक विभव यानी कि बायोटिक पोटेंशियल, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है वो है सामुद्रिक, यानी कि समुद्र द्वारा जो फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 20, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल, ठीक है, जलमंडल में समुद्री जल होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो जलमंडल है ऊपर, यानी कि वो लगभग होता है 97% भाग,
पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है 97% भाग 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण क्या है? समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड या NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन बनाए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि कौन मदद करता है? एक है वनारोपण, वनों का रोपना या वनों को लगाना। दूसरा है वर्षा, वर्षा जल प्रबंध, यानी कि वर्षा के जल को प्रबंधित करना, यानी कि उसको सही से उपयोग करना या उसको मतलब संरक्षित करना, या जैव मंडल भंडार। तीन चीज़ें हैं, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन एंड जैव मंडल भंडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में, पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है। किसका मददगार है? यह है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? यह है वनों उन्मूलन, यानी कि वनों का काटना जो है भारत में सबसे अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटना, वृक्ष के काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी क्या पॉइंट ऐसा है जो सही नहीं है? वो है यह एक बंद तंत्र है। ठीक है, यह एक बंद तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय एंड इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये दूसरा पॉइंट है, यह एक कार्यशील इकाई है, यह कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, यानी कि
पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में ये तीन पॉइंट हैं, और जो संबंध में नहीं है वो है बंद तंत्र। क्वेश्चन नंबर है 28 यानी कि 28 नंबर, पारितंत्र। पारितंत्र को कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन है या सर्वोत्तम वर्णन है वो है जीवों का समुदाय। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। जीवों का समुदाय तथा वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। इकोसिस्टम का। क्वेश्चन नंबर है 30। 30 नंबर दे रहे हैं, एक पद किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, क्या कहलाती है? उसको कहते हैं वहन क्षमता। ठीक है, तो उस क्षमता को, उस सीमा को क्या कहते हैं? वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता।